जहां बीते दिन यानी शनिवार को वैष्णो देवी में भगदड़ के कारण 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। तो वहीं इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। खबर ये कि उस दौरान टेलीविजन की चर्चित एक्ट्रेस भी वहीं पर मौजूद थी। जी हां, रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा एक्ट्रेस उस वक्त वैष्णो देवी में ही थी। बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि रूपाली वैष्णो देवी में है, वैसे ही रूपाली के फैंस परेशान हो गए और लगातार रूपाली के लिए ट्वीट्स करने लगे। फैंस को बता दें कि रूपाली गांगुली बिल्कुल ठीक है और घर वापस लौट आई है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों का सरकार इलाज करवा रही है और उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिन लोगों की इस हादसे में जाने गई, इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। वहीं घायल लोगों के लिए हमारी प्रार्थनाएं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।